कई लोग जानते होंगे कि महाकाल की, जो कि उज्जैन में स्थित हैं, उनकी हर सुबह भस्म से आरती की जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि यह आरती तो सुबह के ताज़ा जले किसी मुर्दे की राख की आरती होती है, जिसे शमशान से लाया जाता है। और कई कहते हैं कि ये राख की आरती नहीं होती है, मतलब ये किसी मुर्दे की आरती नहीं होती है, ये किसी गाय गोबर के उपलों की राख की आरती होती है। तो चलिए हम जानते हैं इसका क्या राज है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने के विषय में यह कथा है कि दूषण नाम के असुर से लोगों की रक्षा करने के लिए महाकाल भगवान प्रकट हुए थे। दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने जब शिवजी से उज्जैन में वास करने का अनुरोध किया, तब महाकाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। पूरी दुनिया में सिर्फ महाकाल ही ऐसा मंदिर है जिसमें कि भस्म आरती होती है, मतलब भगवान शिव का भस्म से श्रृंगार। शिव जितने ही सरल हैं उतने ही रहस्यमयी भी। भोलेनाथ का रहन सहन सभी देवताओं से एकदम अलग है। वो अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं, लेकिन इन दिनों महाकाल की भस्म आरती पर महाभारत चल रही है। महाकाल की आरती में भस्म का यूज होना, उसके पीछे ऐसी मान्यता है कि महाकाल शमशान के साधक हैं और इनका श्रृंगार, यही इन्हीं का श्रृंगार है और यही इनका आभूषण है। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने पर मात्र से रोग और दोष से मुक्ति मिलती है। दुनिया में ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि महाकाल की भस्म आरती में चिता की राख का इस्तेमाल होता है। उज्जैन के ज्यादातर लोग भी यही जानते हैं, लेकिन राज की बात यह है कि महाकाल की भस्म आरती में उपले और लकड़ी की राख का इस्तेमाल होता है, जिसका सिंहस्थ में पहुंचे अघोरी तांत्रिक काफी विरोध कर रहे हैं और फिर से चिता की राख से महाकाल की भस्म आरती की मांग कर रहे हैं। पहले चिता की राख का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से यहाँ गोबर, कंडे, लकड़ी या उपलों की राख का इस्तेमाल होता है। शिव भक्तों का मानना है कि महाकाल के दरबार की एक चुटकी भस्म उनकी जिंदगी बदल सकती है, उसके सभी दुखों को दूर कर सकती है। शिव पुराण में भस्म तैयार करने का खास तरीका बताया गया है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव को चढ़ाई गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इन्हीं भस्म से हर सुबह महाकाल की आरती होती है। दरअसल यह भस्म आरती महाकाल का श्रृंगार है और उन्हें जगाने की विधि है, जो सुबह 4 बजे के आसपास होती है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले शमशान के भस्म से भूत भावन भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है और कंडे से बने भस्म की उससे श्रृंगार किया जाता है। इस आरती का एक नियम यह भी है कि इसे महिलाएं नहीं देख सकती, इसलिए जब आरती होती है तो कुछ समय के लिए महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है। आरती के दौरान एक पुजारी भी एक वस्त्र धोती में ही होते हैं और आरती में अन्य वस्त्रों की धारणा करने का नियम नहीं है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भगवान महाकाल की भस्म आरती के बारे में। और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे के लिए ऐसा और कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।